हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडर किचन। मैं रुचि और आज मैं आपके लिए क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी लाई हूँ, जो एगलेस भी है और अल्कोहल फ्री भी। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। एगलेस प्लम केक के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर और पाउडर्ड शुगर, 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क, 2 टेबलस्पून बटर। मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, आप चाहें तो प्लेन होममेड बटर भी यूज कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून कैशियो जिसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है, 2 टेबलस्पून आलमंड्स, 2 टेबलस्पून ड्राई क्रैनबेरीज, 2 टेबलस्पून ये मैंने ब्लैक किशमिश लिया है। अगर आपके पास ब्लैक किशमिश ना अवेलेबल हो तो आप नॉर्मल किशमिश भी डाल सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर जिसे हम दालचीनी पाउडर भी बोलते हैं, 1 टीस्पून सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 कप मैंने ग्रेप जूस लिया है। इससे हम बहुत अच्छा फ्लेवर केक में लाएंगे, जो प्लम केक हमारा क्रिसमस स्पेशल होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में बटर और शुगर को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बटर और चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। बटर मैंने मेल्ट करा के लिया था। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से छन्नी की हेल्प से छान लेंगे और फिर इसे अच्छे से व्हिप करेंगे। जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। देखिए मैदा भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस, कोको पाउडर, सिनेमन पाउडर, कंडेंस मिल्क डाल के इसे एक स्मूथ बैटर जैसा रेडी करेंगे और इसमें धीरे धीरे हमने जो जूस लिया था ग्रेप जूस वो ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं और एक ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी में केक का बैटर रेडी हो गया है। अब हमने जितने नट्स लिए थे इसमें ऐड करेंगे एक एक करके, आलमंड, टूटी फ्रूटी, ब्लैक रेजिंस, आप चाहें तो इसमें डेट्स भी डाल सकते हैं, क्रैनबेरीज, कैशियो और इसे अच्छे से मिक्स करके एक बेकिंग डिश में डाल के बेक करेंगे। अब हम केक को बेक करेंगे। मैंने ये बेकिंग बोल जैसा लिया है। अगर आपके पास ये डायरेक्ट बेक हो जाता है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल एल्युमिनियम के केक मोल्ड में भी केक को बेक कर सकते हैं। 180 डिग्रीज पे हमें 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। तो चलिए इसमें हम बैटर डालते हैं और इसे सेट करते हैं। थोड़ा सा हम इसे टैप कर देंगे जिससे ये हर साइड से अच्छे से सेट हो जाएगा और बेक होके भी सेम साइज का हर जगह से निकलेगा। अब इसकी गार्निशिंग हम थोड़ी सी आलमंड और कैश्यूज से करेंगे और इसको बेक करने के लिए रखेंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं। केक निकाल के हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए
पूरा क्लीन निकला है, केक रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने रख देते हैं और फिर इसे हम रेडी करके सर्व करेंगे। ये लीजिए, डिलीशियस एगलेस प्लम केक रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही रेसिपीज और मिलती रहेंगी, और आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें।